हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसे डिस्कस करें। आज हम जो आपका 2024 का प्रश्न पत्र है इसे आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका साइंस का प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार से आता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे आपको भौतिकी के प्रश्न, यानी जो आपके फिजिक्स के पार्ट है, साइंस का जो फिजिक्स पार्ट है, उसके यहाँ पे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आता है। तो सबसे पहला पेज, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपका फ्रंट पेज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दी गई है इस क्वेश्चन पेपर के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि इस प्रश्न पत्र में 8 पेज हैं, यानी नंबर ऑफ प्रिंट पेजेस कितने हैं, 8 है। मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितनी है, 8 है। तो जब भी आप पेपर में जाएं, जो है आप जब भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं, उससे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके क्वेश्चन पेपर में सारे जो है पेजेस है या नहीं आपको अच्छे से चेक करना। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सारे के सारे पेजेस चेक करने हैं कि जितने यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस लिखे गए हैं, पेजों की संख्या लिखी गई है, क्या उतने पेजेस आपके प्रश्न पत्र में है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 2024 का प्रश्न पत्र है, और यहाँ पे हम विज्ञान यानी साइंस का जो ये पेपर है और ये सैद्धांतिक या थ्योरी बेस्ड पेपर। ठीक है, अगर हम इस पेपर की बात करें तो ये 3 घंटे का जो है पेपर है, और अगर हम इसके मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो कितने मार्क्स का है, ये 80 मार्क्स का ये प्रश्न पत्र है। ठीक है, यानी साइंस का जो पेपर है वो आपका 80 मार्क्स का है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। अब हम यहाँ पे जिसके इसमें जो आपके निर्देश दिए गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। निर्देश क्या क्या दिए गए हैं? पहला है, इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न है। तो आपका जो ये प्रश्न पत्र है यहाँ पे आपके पास कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है इस पेपर में। सभी प्रश्न अनिवार्य है, और सारे के सारे प्रश्न कैसे हैं, अनिवार्य है यानी जरूरी, यानी आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। देयर आर इन ऑल 30 क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। ठीक है, यानी आपको जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सब आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेकेंड पॉइंट है, प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख लिखे गए हैं या अंकित किए गए हैं। मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। यहाँ पे क्या कहा गया है, कहा ये गया है कि जो आपके क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के सामने आपको उसके मार्क्स दिए हूँ, यानी जो भी क्वेश्चन है सामने आपको उसके उसके मार्क्स जो अलॉटेड है, कितने मार्क्स का वो प्रश्न है वो आपका वहां पे दिया गया। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा समुचित उत्तर दीजिए। रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर टू द पॉइंट। क्या करना है आपको, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन है उनको, और जो आपका आंसर है उसको बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा लंबा लिख रहे हैं, टू द पॉइंट मार्क्स के अनुसार आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर। तो चौथा जो आपका पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं। तो आपका जो चौथा पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 इज
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कैसा है? मल्टीपल चॉइस, यानी कि यहाँ पे आपको एक प्रश्न दिया गया है जो स्टेटमेंट की फॉर्मेट में हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्मेट में हो सकता है, और वहां पे आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, चार विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से आपको सही विकल्प छांटना है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में चार विकल्प दिए गए हैं, ठीक है? यानी इस प्रश्न में क्या दिया गया है, हर एक खंड में आपके पास चार क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको जो है प्रत्येक खंड में क्या दिए गए हैं, चार क्वेश्चन यहाँ पे आपको चार विकल्प दिए गए, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या करा गया है, प्रत्येक खंड में क्वेश्चन नंबर वन में क्या कहा गया है कि हर जो है आपके खंड है, पहला जो प्रश्न है उसमें अलग अलग खंड है, उसमें आपको चार क्वेश्चन दिए गए हैं। फोर ऑप्शंस आर गिवन इन आंसर ऑफ ईच पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? हर एक पार्ट में ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, राइट करेक्ट ऑप्शन इन योर आंसर बुक। और आपको क्या करना है, अपनी आंसर बुक में सही आंसर लिखना है। प्रश्न संख्या 2 से 9 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 to 9 आर डेफिनेट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है? और क्या कहा गया है, 2 से 9 तक के जो प्रश्न है वो कैसे हैं, डेफिनेट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी ये जो होंगे यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर लिखना टू द पॉइंट, ठीक है? फर्स्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, पहले प्रश्न उसमें अलग अलग खंड होंगे, फिर 2 से 9 भी आपके एक एक मार्क्स के ही प्रश्न है, लेकिन वहां पे जो है आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है ना? आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, डायरेक्ट आपको सीधे आंसर लिखना है। पांचवे पॉइंट की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 का प्रत्येक खंड 1 अंक का है, ठीक है? क्या कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन 1 अंक का, ठीक है, जो कि क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 से 9 भी 1 अंक के प्रश्न है, 2 से 9 भी क्या है, 1 अंक के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 से 15 2 अंक के प्रश्न है, 10 से 15 भी आपके क्या है, 2 अंक के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 से 23 3 अंक के प्रश्न है, ठीक है? और 16 से 23 कितने हैं, 3 अंक के हैं, और 24 से 30 है 4 अंक के प्रश्न। ईच पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1 कैरीज 1 मार्क्स, हर एक पार्ट क्वेश्चन 1 का जो हर एक पार्ट है वो एक एक मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 2 to 9 कैरी 1 मार्क्स, 2 से 9 भी एक एक मार्क्स के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 to 15 कैरी 2 मार्क्स, 10 से 15 वाले कितने हैं, 2 2 मार्क्स के प्रश्न है, और क्वेश्चन नंबर 16 से जो 23 है वो कैसे है, 3 मार्क्स के प्रश्न है, और क्वेश्चन संख्या 24 से 30 4 मार्क्स के प्रश्न। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 मार्क्स का प्रश्न, एक तो आपका प्रश्न संख्या 1 है, इसमें अलग अलग जो पार्ट है वो आपके 1 मार्क्स के हैं, ठीक है? अगर हम दूसरी बात करें 2 से 9 की, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है, कितने हो गए आपके, 8 क्वेश्चन। तो ये 8 क्वेश्चन भी आपके 1 1 मार्क्स के हैं। इसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 और 15, यानी ये जो 6 क्वेश्चन है ये आपके 2 मार्क्स के प्रश्न है। इसी तरीके से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, ये जो प्रश्न है ये आपके 3 मार्क्स के प्रश्न है, और 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये जो प्रश्न है ये आपके 4 अंक के, यानी 4 मार्क्स के प्रश्न है, ठीक है? तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन हैं वो अलग अलग मार्क्स में डिवाइड, ठीक है, नोट करेंगे इसे। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट,
अब हम चलते हैं छठे पॉइंट की ओर। छठा पॉइंट है आपका, इस प्रश्न पत्र में समग्र कोई विकल्प नहीं है, तथापि कतिपय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किए गए हैं। क्या कहा गया है कि जो ये प्रश्न पत्र है, जो ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें कोई भी आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ प्रश्नों में आपको आंतरिक विकल्प दिए। ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का ही उत्तर, ठीक है। तो आंतरिक विकल्प कैसे होंगे, जैसे कि कोई मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 10वां क्वेश्चन है, वहां पे आपको दो क्वेश्चन दिए जाएंगे और बीच में और अथवा लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन फ्यू क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ गिवन चॉइसेस इन सच क्वेश्चन, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे कोई जो है बाह्य विकल्प नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ आंतरिक विकल्प यहाँ पे आपको दिए गए। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करते हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ जो आपका भौतिकी वाला पार्ट है, यानी फिजिक्स वाला जो पार्ट है, उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप चार प्रश्न देख सकते हैं, ये आपका जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक डेफिनेशन बेसिकली दी गई है, और इस डेफिनेशन या परिभाषा के अनुसार आपको चार विकल्प दिए गए हैं और आपको सही आंसर चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट छह प्रश्न देखते हैं। तो छह प्रश्न में क्या दिया गया है आपको, निम्नलिखित जिस किसी उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 2 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो आपको यहाँ कहा गया है कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, उसका आपको पावर दी गई है, फोकल लेंथ निकालनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, पर ये जो प्रश्न है वो डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज नहीं, बल्कि एक छोटा सा आपको न्यूमेरिकल दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट वेस, आपकी जो डेफिनेशन है उसमें, फिलअप्स में, ठीक है, और इस तरीके से न्यूमेरिकल बेस भी आपके क्वेश्चन आ सकते। अब हम चलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न देखिए, ये आपका फिजिक्स का प्रश्न है। एक गोली 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या हो? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स फोकल। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, ठीक है, आर का मान दिया गया है, एफ निकाल। तो बेसिकली यहाँ पे भी आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, आपको इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम पांचवे प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न भी आपका भौतिकी का प्रश्न है। क्या पूछा गया है, उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। नेम अ मिरर दैट गिव्स इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपसे जो है डायरेक्ट एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, आपको दर्पण की प्रॉपर्टी बता दी गई है कि दर्पण इस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, आपको बताना है कौन सा ये दर्पण है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आपके आते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? व्हाई इज द टंगस्टन ऑलमोस्ट यूज्ड एज अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो बल्ब होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, वो टंगस्टन से क्यों बना होता है, आपको यहाँ पे रीजन बताना है कि क्यों बना होता है, ठीक है। तो इस तरीके के आपके जो है प्रश्न जो है यहाँ पे आते हैं। अगला आपका प्रश्न 8वां प्रश्न, आप देख सकते हैं,
किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाए? हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? ठीक है, तो ये भी आपका फिजिक्स का प्रश्न है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका जो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा वाला चैप्टर है उसका ये क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है कि वोल्ट मीटर को किस तरीके से सर्किट में कनेक्ट किया जाए। और आप देख सकते हैं ये भी आपका एक मार्क्स का प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वें क्वेश्चन की ओर चलते, ये आपका फिजिक्स का प्रश्न है। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या कहता है? निकट दृष्टि दोष क्या है, मायोपिया क्या है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? व्हाट इज मायोपिया, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज फॉर करेक्टिंग इट? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपसे मायोपिया के बारे में पूछा है और कौन से लेंस का उपयोग यहाँ पे इसे ठीक करने के लिए करते हैं। आपको जो है जब हम जो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड जो आपका चैप्टर था वो डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने दृष्टि दोषों के बारे में पढ़ा था, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस मायोपिया। तो आपको इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाता है, जैसे 2 मार्क्स में, कभी ज्यादा मार्क्स में भी आता है, तो आपको उसी के अनुसार यहाँ पे आंसर देना हो। ठीक है, तो दृष्टि दोष काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आपको अच्छे से इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। बीसवा प्रश्न आपका 3 मार्क्स का प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये यह प्रश्न 3 भागों में बांटे, क, ख और ग। ठीक है, यहाँ पे जो प्रश्न है पहला है आपका, व्याख्या कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, एक्सप्लेन व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। दूसरा है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, व्हाई द कलर ऑफ अ क्लियर स्काई इज ब्लू। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो प्रश्न है यहाँ पे आपसे बिल्कुल जो है रीजन पूछेगा। ठीक है, बी है नेत्र की समंजन क्षमता का अभिप्राय क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पावर ऑफ अकोमोडेशन यानी समंजन क्षमता की डेफिनेशन पूछेगी। 21वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है विद्युत सामर्थ्य शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे आपसे परिभाषा पूछी गई है, जितने भी आप जो है फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, भौतिक राशियां पढ़ते हैं, सबकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हर जो भी आपका टॉपिक आता है, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका एसआई मात्रक लिखिए और साथ ही साथ इसका एसआई मात्रक भी पूछे। ठीक है, तो एसआई मात्रक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एसआई मात्रक इस तरीके से पूछा जाता है और कई बार आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो जितनी भी आपकी भौतिक राशियां हैं सबके एसआई मात्रक आपको पता होनी चाहिए। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। 21वीं का जो ये पार्ट है ये आपका 2 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स के अनुसार आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। इलेक्ट्रिक पावर विद्युत सामर्थ्य शक्ति के बारे में आप लिखेंगे, फिर इसका एसआई मात्रक। ख पार्ट 1 मार्क्स का है और कुछ प्रश्न आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है। अब 21 के ख पार्ट की बात करें तो 21 का जो ख पार्ट है वो कुछ इस तरीके से है, 2 चुंबकीय छेद रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, व्हाई डोंट 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे जो ये प्रश्न है ये 1 मार्क्स का है, इसी के अनुसार आपको इसमें आंसर लिखना है। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पूछा गया है,
ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने टॉपिक पढ़ा है उसको आपको मतलब बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बेस में यहाँ पे प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये आपका विद्युत धारा वाले चैप्टर से है। एक टॉर्च के बल्ब में 5 वोल्ट तथा 500 मिली एम्पियर अंकित है, ज्ञात कीजिए। अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट 500 मिली एम्पियर, कैलकुलेट द फॉल्ट। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है और 3 मार्क्स का ये प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट जो है फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला पार्ट यहाँ पे दिया गया है बल्ब का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब आपको ज्ञात करना है। दूसरा है बल्ब की शक्ति, पावर ऑफ बल्ब। तीसरा है 1 घंटे जलने पर बल्ब द्वारा अभुक ऊर्जा, एनर्जी कंज्यूम बाय बल्ब व्हेन इट इज लाइटेड वन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये तीनों प्रश्न एक एक मार्क्स के हैं। तो न्यूमेरिकल आपके इलेक्ट्रिसिटी के, ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है, ह्यूमन जैसे आपका ह्यूमन आई का जो चैप्टर है, या जो आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो चैप्टर है, इन सारे चैप्टर में जो आपके न्यूमेरिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से इनके याद रखने हैं और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। ठीक है, अब हम चलते हैं 29वें प्रश्न में। अभी जो आपका 29वां प्रश्न है यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में और लिखा, तो ये जो प्रश्न है वो आपका आंतरिक विकल्प वाला प्रश्न है। ठीक है, आंतरिक विकल्प यहाँ पे आपको दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न है वो आपका न्यूमेरिकल प्रश्न है और जो आपका चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, उस चैप्टर से ये आपका प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस तरीके से है, 3 सेंटीमीटर आकार की वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल है और यहाँ पे आपको ये प्रश्न जो है 4 मार्क्स में दिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका कॉनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपका मिरर फॉर्मूला रखेगा और आपका जो है मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का जो फॉर्मूला है वो लगेगा। तो आपको जो है इस चैप्टर के सारे जो फॉर्मूले है बिल्कुल अच्छे से लर्न करने हैं, आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स में होने चाहिए, क्योंकि जो आपका चैप्टर है रिफ्लेक्शन का, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे न्यूमेरिकल आपके बनते ही बनते हैं। अब हम अथवा के बाद वाला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो अथवा के बाद वाला जो प्रश्न है वो 2 भागों में बटा है, पहला आपका थ्योरी बेस्ड प्रश्न है, दूसरा आपका न्यूमेरिकल है। तो का पार्ट की बात करते हैं, का पार्ट में दिया गया है किरण आरेख की सहायता से समझाइए कि आंशिक रूप से पानी में डुबाई गई पेंसिल पानी की सतह पर मुड़ी क्यों प्रतीत होती है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम व्हाई पेंसिल पार्शली इमर्स इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस। क्या कहा गया है कि जब पानी में आप पेंसिल डुबाते हो तो वो आधी जो है मुड़ी हुई की दिखती है। तो ये आपसे पूछा गया है, इसमें डायरेक्ट आपको बताना है रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट है आपका बी पार्ट या खा पार्ट, जिसमें आपका प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस तरीके से है, +2.5 डायोप्टर तथा -1.5 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हैं, इस संयोजन की क्षमता तथा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या हो। 2 लेंसेज ऑफ पावर प्लस
2.5 डाइप्टर एंड माइनस 1.5 डाइप्टर आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, वट विल बी द पावर एंड फोकलेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये जो पार्ट है, ये जो भाग है आपका, ये भी 2 मार्क्स का है और एक न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है। यहाँ पे जो है, जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ है, उसके कॉन्सेप्ट का आप यहाँ पे यूज करके इसे सॉल्व करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, जो कि आखिरी प्रश्न है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक विद्युत परिपथ दिया गया है डायग्राम में, और इसके बीच में आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके का आपका प्रश्न आता है, इम्पोर्टेंट है। आपका जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है उसके बेस का ये प्रश्न है, यानी उस चैप्टर से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है का पार्ट में, नीचे दिए गए परिपथ आरेख में गणना कीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है इस आरेख के अनुसार परिपथ का कुल प्रतिरोध, यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आपको बताना है कि इस परिपथ में सर्किट में कुल प्रतिरोध कितना होगा। दूसरा है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, ठीक है, यानी कितनी धारा इस परिपथ से प्रवाहित होगी। और अगर हम इसके खा पार्ट की बात करें, तो खा पार्ट में आपसे पूछा गया है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, यानी ये जो खा प्रश्न है वो आपका इस जो ये आपका सर्किट है इससे रिलेटेड नहीं है, बल्कि डायरेक्ट आपका थ्योरी बेस्ड, आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपका प्रतिरोध होता है आर होता है किसी भी कंडक्टर का, वो किस पर निर्भर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं कि जो आपको आपको जो चैप्टर प्रिपेयर करना है अपना, उसमें आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से पढ़ने हैं। आपके जो एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स में है उनको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, उसके साथ साथ जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स, उन्हें भी अच्छे से करना है। सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, फैक्ट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, एसआई यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मात्रक जितने भी आपके, ठीक है, सब अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और न्यूमेरिकल तो बहुत अच्छे से करने, न्यूमेरिकल आपके आते ही आते, उसको आपको छोड़ना, तो यानी आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से पढ़। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर में, साइंस के क्वेश्चन पेपर में जो भौतिकी या फिजिक्स का पार्ट है वो आता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आए। तो हमने अभी 2024 का जो प्रश्न पत्र है वो देखा, उसमें भौतिकी वाला भाग देखा, किस प्रकार से आपके प्रश्न आए हैं। अब हम इन प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करें। तो आपका जो पहला प्रश्न था वो कुछ इस तरीके से दिया था, परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द सर्किट इज कॉल्ड। तो आपसे पूछा है कि जब भी किसी सर्किट में आवेश यानी चार्ज गतिमान होते हैं, फ्लो करते हैं, चलते हैं, तो इस जो है आवेशों की प्रवाह की जो दर है इसको हम क्या कहते हैं। चार ऑप्शन ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहला है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, दूसरा है वोल्टेज, तीसरा है एनर्जी फ्लो, चौथा है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम बात करें रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध बेसिकली एक प्रकार का ऐसा फोर्स है, बल है, जो चार्जेस के फ्लो यानी आवेश के प्रवाह को रोकता है। ठीक है, वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज क्या करता है, आपके जो है फ्लो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो या चार्जेस के फ्लो को रेगुलेट करता है। क्योंकि जब आपका वोल्टेज कहीं पे डेवलप होता है या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होता है, आपके जो चार्जेस होते हैं वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं। ठीक है, एनर्जी फ्लो, फ्लो ऑफ एनर्जी है यानी किसका, ऊर्जा का प्रवाह।
और इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आवेशों का प्रवाह, यानी फ्लो ऑफ चार्जेस। जब भी किसी सर्किट में चार्जेस फ्लो करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि उस सर्किट से या परिपथ से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। यानी आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, नोट कर। बच्चों, आज हमने जो आपका 2024 का प्रश्न पत्र है इसे हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने भौतिकी के पार्ट को डिस्कस किया, साथ ही साथ इस क्वेश्चन पेपर का हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के जो क्वेश्चन है यानी 2024 के प्रश्न पत्र के जो बाकी क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।